कांच की तरह कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे उसाई मी, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो जाता। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तो हो रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तक ना आती। लगता है कि तीर निशाने पे बिल्कुल ठीक लगा है। लगता कैसे नहीं, कमान जो मेरी थी। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं कबीर, तुम तो मुझसे भी आगे की चीज हो, मुझसे ज्यादा होशियार हो तुम। आपको आपका कार्ड मिल गया, ये अच्छी बात है क्योंकि अम्मी जरा फिक्रमंद थी। हाँ मैं भी, मुझे उनको थैंक यू कहना है। आई रियली वांट टू थैंक हर। मैं उन्हें आपकी तरफ से थैंक्स कह दूंगी। अब आप जा सकते हैं। उसके सास का फोन आया था, मिलने आना चाह रही थी। तो इसमें मसला क्या है? अगर प्रॉपर्टी की बात होगी तो आप कह दीजिएगा कि हम समिया का हिस्सा उसको जल्द से जल्द दे देंगे। अरे भाई ये बात मैं उन्हें कई दफा समझा चुकी हूँ। तुम्हारे अब्बू ने भी मार्केट से पैसे उठाने से मना कर दिया है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसे आएंगे कहाँ से। अब्बू तो ये काम करना चाहते नहीं है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मार्केट से पैसा उठाने में मसला क्या है? जब सारे के सारे पैसे मुझे क्लियर करने हैं तो डर किस बात का? वो किसी और से पैसे लेने की बात कर रहे थे। अब देखो अगर वहां से मिल जाए तो। देखें कुछ भी हो जाए, ये बात कंफर्म है कि हम समिया को उसका हिस्सा दे रहे हैं। और ये बात आप उसकी सास को बता दीजिएगा। बस ये सब जल्दी हो जाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे आएंगे कहां से। यार आप मुझ पर भरोसा करें ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा तो फिर हो जाएगा ना। अरे मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम्हारा बिजनेस अलहदा हो गया, वरना हम सारी जिंदगी भाईजान के मोहताज रहते और सारी जिंदगी उनसे मांगने में गुजरती हमारी। खैर बिजनेस अलग ना भी होता ना तो मैं ताया अबू की गुलामी तो करता नहीं। हाँ ये अलग बात है कि अब आसानी हो गई है। देखो तुम्हारा बिजनेस सेटल हो जाए ना तो तुम अपने अब्बू को भी भाईजान की कैद से निजात दिला देना, वरना हमारी सारी जिंदगी तो रोक टोक में गुजर जाएगी। आप फिक्र नहीं करें, एक बार ये सारा मामला हल हो जाए ना तो ताया अबू के बिजनेस को तो लात मार के बाहर निकल जाएंगे हम लोग। ये लीजिए नदीम भाई, जितने का चेक आपने कहा था मैंने बना दिया है। आपसे दोस्ती है वरना इतने पैसे कोई किसी को नहीं देता, और फिर इतना अर्जेंट। आप अगर बैंक में घर भी गिरवी रखवाते तो इतने पैसे आपको नहीं मिलते। मैं जानता हूँ गफार भाई, बहुत ज़रूरत थी जब ही तो आपके पास आया। नदीम भाई क्या मार्केट से ज़्यादा पैसे उठा लिए जो घर गिरवी रख रहे हैं? ऐसा ही समझ लें गफार भाई, बेटे ने नया कारोबार शुरू किया, उसमें बहुत पैसे लग गए। चलें कोई बात नहीं, कारोबार में लगे हैं, वापस आ जाएंगे। बस जैसे ही आ जाएं घर के कागजात मुझसे वापस ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर अमानत न रखी जाती है न छोड़ी जाती है। आप फिक्र मत करें गफार भाई, दो ढाई महीने में जैसे पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूँगा। ठीक है फिर ये चेक अपने अकाउंट में डलवा लें। दो चाय जल्दी भिजवा। मैं तो पहले ही आना चाह रही थी, लेकिन जब ये सब सुन लिया तो मुझसे तो रहा नहीं गया, भागी भी आई। मैंने कहा जाके पूछूं कि खैरियत तो है। जी जी सब खैरियत है बहन। ना 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 बहन, साथ खैरियत के कोई हॉस्पिटल नहीं जाता। नहीं आपको तो पता है आजकल की लड़कियां शादी का सुनते ही डाइटिंग शुरू कर देती हैं। समिया ने भी बस खाना पीना छोड़ दिया, लो ब्लड प्रेशर हो गया तो अस्पताल ले जाना पड़ा। देखिए फिर भी कम से कम आप हमें तो बताती हैं, हम आपके अपने हैं, मैं खुद साथ ले जाती
वो तो मेरी एक रिश्तेदार ने आप लोगों को वहां देख लिया। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में कि सास अपनी बहू को देखने भी नहीं जा सकती थी। अरे बहन, किसी के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? जब हमें आपसे कोई शिकायत ही नहीं है तो फिर तकलीफ कैसी? छोटी छोटी सी बात पर आपको तकलीफ देना अच्छा थोड़ी लगता है कोई। अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? देखिए ना, समिया आखिर होने वाली मेरी बहू है, अगर उसके लिए भी हम तकलीफ का सोचेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, मैं अपनी बहू के लिए हीरो का सेट लेके आई हूँ। माशाल्लाह, वाह भाई, बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। देखिए ना जी, आखिर इकलौता बेटा है मेरा, ये सारे चाव उसी पे तो पूरे करूंगी। अगर ये सब नहीं करूंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे। समिया बहुत खुश नसीब है कि उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। आप भी बेफिक्र रहे, सोच समेत वापस लूंगी सब। रायमा, तुमने उसे चाय वगैरह भी पूछा या ऐसे ही रुखसत कर दिया था? अम्मी, वो तो मुझसे फ्री हो रहे थे, कह रहे थे कि एक कप चाय पिला दो, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। रायमा, तुम भी कभी बहुत छोटे दिल की हो जाती हो। एक कप चाय बनाने में कौन से पहाड़ टूटने थे बेटा? अम्मी, मैं घर में अकेली थी और वो यूं अचानक आ गए, इसलिए मैं घबरा गई। और आप कह रही हैं कि मैं उनसे चाय का पूछती। घबराने की क्या बात थी इसमें? अम्मी, क्या आपको नहीं पता कि हम किस इलाके में रहते हैं? यहाँ पे लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की पड़ी रहती है, और सबको पता है कि हमारे घर में किसी का आना जाना नहीं है। लोगों से डर के तुमने मेहमान नवाजी को बुला दिया? कल कितनी तारीफ करके गए थे वो तुम्हारी। वो कल आपके सामने आए थे और आज यूं अचानक। अब वो कोई ऐसा अचानक भी नहीं आ गया था। तुम्हें बताया था ना मैंने कि फहीम भाई को फोन करूंगी मैं। लेकिन आपने मुझे ये तो नहीं बताया था ना कि वो आपके घर मौजूदगी में आ जाएंगे। वो बेचारा ये सारी बातें बता के आता क्या? तुम भी कमाल करती हो रायमा। अम्मी, उनको कार्ड चाहिए था जो उन्हें मिल गया, और अगर आपको चाय पिलाने का इतना ही शौक है ना तो खुद ही इनवाइट कर लीजिएगा। उससे इतना घबराने की क्या जरूरत थी रायमा? बेचारा इतना शरीफ सा तो है, खामोश सा रहता है शहीर। तुम भी हद करती हो रायमा। सारी एंजॉयमेंट का सत्यानाशा करती है, खामोश और चुपचाप रहने वाली है। अम्मी के एक कजन है, वो भी उस रात हॉस्पिटल में मौजूद थे। उन्होंने इस बारे में अम्मी से तस्करा किया था, पर मैं तो बिल्कुल घबरा गया जब अम्मी ने मुझसे सवाल किया, और उल्टा मुझ पे गुस्सा होने लगी कि तुम क्या समिया की कोई खैर खबर नहीं रखते है? तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आप उसके घर पे जाएं और पता कर लें। आंटी ने जब मेरे घर आके अम्मी से कहा तो अम्मी काफी परेशान हो गई थी। बाद में अम्मी ने मुझसे पूछा कि आंटी को किसने बताया, मुझे लगा तुमने बताया होगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी और अपनी बातें जाके अम्मी को बताता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा डर गई थी तो सोच लिया। खैर छोड़ इन बातों, तुम ये बताओ कि तुम्हें वो सेट कैसा लगा? इतनी परेशान थी, ठीक से सेट भी नहीं देख सकी। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, तो सारी बात क्लियर हो गई। क्लियर तो अब जाके हुई है ना, घर में इतनी परेशान थी, तुमसे मिली तो थोड़ी कम हो गई परेशानी। यही तो मैं चाहता हूँ समिया, कि तुम डरती रहो और तुम्हारे डर से हमारे काम निकलते। तुम्हें किसी भी बात से डरने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
रायमा, रायमा जी अम्मी, ये घड़ी किसकी है बेटा? कहीं शहीर तो नहीं छोड़ गया? दिखाएं जी। हाँ, आई थिंक ये शहीर की घड़ी है। उफ़ अम्मी, ये शहीर भी कितना अजीब इंसान है, कार्ड लेना है तो घड़ी भूल गया। बेटा अजीब नहीं है, तुमने उसको इतना हौला दिया होगा कि वो बेचारा भूल के चला गया। मैंने हौला दिया इसलिए वो घड़ी भूल गया? अम्मी कैसी अजीब बात कर रही है। मैंने तो मुझे कहा कि तुम उसे देख के घबरा गई थी, तो वो अफरा तफरी में उसने यहाँ पे उतारी होगी और भूल गया होगा बस। अच्छा बाबा ठीक है, अब वो घड़ी लेने आएंगे ना तो आप उन्हें चाय पिला दीजिएगा, जिस बात का आपको बहुत ज्यादा अफसोस है। ठीक है, तुम जाके पढ़ो, मैं बच्चे की घड़ी संभाल। यार वैसे तुम अमेरिका में तो कुछ नहीं भूलते थे, वहां तो तुम्हें हर चीज याद रहती थी, फिर यहाँ कैसे भूल गए? हाँ ठीक कह रहा है, कार लेने गए घड़ी भूल आए, अब घड़ी लेने जाओगे पता नहीं क्या भूला हो। वो एक्चुअली जब मैं वहाँ गया तो बारिश हो रही थी, मैंने वो घड़ी गीली होगी तो मैंने इसलिए उतार के रखी थी, बस वो वहीं रह गई। अच्छा घड़ी उतारी है, तुम पहनना भूल गए, जबरदस्त। वैसे तुम ऑफिस में तो रोज आते हो घड़ी पहन के, तब तो नहीं भूल गए? हाँ ये तो वसी ने बिल्कुल ठीक कहा, जवाब दो। वो बस जल्दबाजी में हबड़ दबड़, आपको पता है समीना आंटी भी घर पे नहीं थी, रायमा तो ऐसे घबरा रही थी जैसे मैं कोई चोर हूँ। चलो तुम उनकी घबराहट की वजह से घड़ी पहनना भूल गए। हाँ भूल गया, अब लेकिन अब मैं भूला हूँ तो जाहिर बात है मैं ही जाके लेके आऊंगा, भूल गया। जाहिर है जाहिर है, लेकिन तुम दोनों ये मत भूलो कि ये ऑफिस है और अपना अपना काम जिम्मेदारी से कर। जी ठीक है, वकील साहब को दिखा देना, अगर वो कोई तब्दीली करवाना चाहे तो मुझे पहले बता। थैंक यू। ओए हाँ सॉरी, उफ़ तो वाह कितनी गर्मी है भाई। समीरा कुछ जोड़े पैक करने, तुम कल जल्दी आ जाना, कल बहुत काम है। वो सीमी दरअसल ड्रामा के इम्तिहान करीब है ना, तो हमारा रोज रोज आना मुश्किल हो जाएगा। अरे कौन सा ऐसा पूरा कोर्स एक दिन में पढ़ लेगी, घर की शादी से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगी, रायमा का आना मुश्किल होगा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कह रही हूँ ना मैं पहुंच जाऊंगी, मैं फिर रायमा से पूछ लूंगी। रायमा बेटा जल्दी से चाय ले आओ आंटी के लिए। जी अम्मी ला रही हूँ। किसी न किसी काम से आई होंगी, वरना ये और हमारे घर में आ जाए, इनकी शान के खिलाफ नहीं हूँ। हम तो बस इनके घर के काम करने के लिए रह गए। ये इतनी बड़ी अमाउंट आपने किस पार्टी से उठा ली? पार्टी से नहीं लिए, दोस्त से लिए। दोस्त से बगैर किसी गारंटी के इतनी बड़ी अमाउंट? तो मैं भी तो काम आता रहता हूँ। सर पैसे आ गए, दो महीने का टाइम लिया उसे, तुम भी दो महीने का टारगेट रखो। दो महीने क्या है, ये तो दो हफ्ते में हो जाएगा, हमारा पहला असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो ये पैसे तो उससे कवर हो जाएंगे। तो ठीक है कल इसको अकाउंट में डलवा देते हैं। क्या कर रहे हैं आप, ये चेक अकाउंट्स में जमा कराएंगे तो अकाउंट्स वाले ताया अबू को बता नहीं देंगे? तो ये चेक मैं अपनी कंपनी के अकाउंट में जमा करा लेता हूँ और निकाह के बाद कबीर की फैमिली को उसका हिस्सा दे देंगे। तुम्हारा अकाउंट तो जॉइंट है, पार्टनर पूछेगा नहीं तुमसे? अरे आप उसकी फिक्र नहीं करें, अकाउंट जॉइंट जरूर है लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूँ।
और सुनो, सुबह जल्दी आना, मैं गाड़ी भेज दूंगी। गाड़ी के लिए मना ना करना, तुम लोग गाड़ी से नहीं आते, देर हो जाती है, मुसीबत मुझे उठानी पड़ती है। वो रायमा, तुम्हारी फपो कह रही है कि समिया के कपड़े पैक करने, तो हमें कल जाना होगा, तुम चल सकोगी? तो हमें कपड़े पैक करने हैं तो कपड़े यहाँ मंगवा लें, हम यहाँ पैक कर देते हैं। जोड़े बहुत कीमती हैं रायमा, और कीमती चीजों की हिफाजत तो तुमसे मैं अपने घर नहीं करा सकी, तो क्या गारंटी है कि जोड़े यहाँ महफूज रहेंगे? रायमा देखो, दरवाजे भी खुल है, मैं देखती हूँ। ये घर तो नदीम अपने किसी वर्कर को देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि वर्करों से ज्यादा तो अहम रिश्तेदार होते हैं, और समीना तुम तो रिश्तेदारी की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझती हो, जरा रायमा को भी रिश्तेदारों के एहसानात के बारे में समझाओ, उसे बताया करो कि कौन क्या कर रहा है। कौन? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? वो एक्चुअली मैं अपनी घड़ी यहाँ भूल गया था। आंटी घर पे ही है ना? हाँ, वो आए। हाँ चलिए। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। चाय तो पी लो। नहीं, छोड़ो, चाय भाई को। अरे शहीर। सलाम तेजान। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी हैरत सी हो रही। वो सीमी, शहीर की घड़ी यहाँ पे रह गई थी, तो बेटा तुम वही लेने आए हो ना? Exactly आंटी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ओह, तुम अपनी घड़ी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए? नहीं, फहीम भाई और शहीर हमें ड्रॉप करने आए थे, तो उसका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रह गया था, तो जब क्रेडिट कार्ड लेने आया तो फिर घड़ी भूल गया। ओह, तो तुम लोग घर इनके साथ आई थी। रायमा, तुम्हें तो किसी की गाड़ी में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर ये अब वो ऐसे नहीं छोड़े ना इन बातों को चेचन, जैसे मुझे आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। और मुझे तुम्हारा ये भूल जाने का खेल बहुत अच्छा लगा। खेलने का वक्त ही किसके पास, ये तो एक कोइंसिडेंस था। हाँ भाई, वाकई वक्त तो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। देखो ना, 6 महीने हो गए, हमारे घर का तो एक चक्कर भी नहीं लगाया, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ तुम रोज आना आते हो घड़ी ढूंढने। अच्छा ठीक है, मैं तो वाकई जा रही हूँ, बहुत देर हो गई, तुम कल जरा जल्दी पहुंच जा। अल्लाह हाफिज। देखा, मानती हो ना अपने भाई को, कैसा फटाफट करा दिया। इसमें तुम्हारा क्या कमाल है, चेक तो अब्बू ने दिया है। हाँ तो आइडिया तो मैंने ही दिया था, वरना अब्बू तो ताया अब्बू के चक्कर में पड़े हुए थे, और ताया अब्बू कहीं इतने पैसे दे ही ना देते। मुझे ये बात बार बार मत याद दिलाया करो, मुझे इतना गुस्सा आता है कि। अरे बाबा, गुस्सा क्यों कर रही हो, चेक आ गया है, ये चेक मैं कल अपनी कंपनी के अकाउंट में जमा कराता हूँ, और तुम्हारा कभी का ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम ऐसा करो कि ये चेक डायरेक्ट तुम कबीर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। यार, ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा तो तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ खर्च हो रहे हैं पैसे। पैसे खर्च नहीं करने, कबीर की फैमिली में जिस लड़की की भी शादी होती है उसका हिस्सा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत सोच समझ के तुमने शादी की है। जब ही तो इस फैमिली में सबके अलग अलग बिजनेस है, कबीर का, उनके कजन्स का, उनके सारे रिलेटिव्स का। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारी फैमिली में बिजनेस कर सकता हूँ साहब। और क्या, कबीर तो खुशी से तुम्हें अपने पास रखेगा। हाँ, वैसे भी अम्मी ने मुझसे कहा है अब्बू को ये पुराने बिजनेस से अलग करो। अब्बू को तो खुद ही अलग हो जाना चाहिए, ताया अब्बू के साथ काम करने से बेहतर है कि इंसान काम ही ना करे। ताया अब्बू के साथ तो वसी और शहीर ही चल सकते हैं, जैसे उनकी सोच वैसे उनके बेटे,
उनको पसंद भी तो वही है जो उनकी गुलामी करें, उनका हुक्म माने और अपनी खुशी से कोई काम ना करें। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर तो तय अबू के बिजनेस को लात मार के निकलेंगे। चलो तुम चेक कर कुछ कर लेना। हमारी रस्म है जी के सास को 10 तोले का सेट, 2 भारी वाले कंगन और अच्छे अच्छे जोड़े दिए जाते हैं पहनावे के लिए। वो घर अब तुम्हारा भी तो हो जाएगा, कबीर उनका इकलौता बेटा है, वहां तो तुम्हारी हुक्मरानी चले ही चले। ताए अबू, जब आपने देखा कि हिस्सा ना देने पे भी मेरा ये रिश्ता नहीं टूट रहा तो आपने कोई दूसरी कहानी कर ली। वाह ताए अबू, आप चाहते क्या है? क्या मिलेगा आपको मेरी और कबीर की शादी तोड़वा कर?